अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। तो आज मैं बहुत मज़ेदार सी सैलड तैयार कर रही हूँ, और जिन लोगों को ये इशू होता है कि ज़्यादा क्रीम या मायोनीस नहीं खाना, तो उनके लिए ये बहुत आइडियल सैलड है, क्योंकि इसमें मैं योगर्ट का इस्तेमाल करूँगी। इससे मैंने 250 ग्राम दही लिया है, जो कि मीठा दही है। ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, दही खट्टा नहीं होना चाहिए आपका। और इसलिए मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मायोनीस का डाल रही हूँ। मायोनीस आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं अपने फ्लेवर्स के मुताबिक। और एक पैकेट में इसमें डाल रही हूँ मिल्क पैक की क्रीम, आप ओलपर्स की भी ले सकते हैं, कोई से भी आप क्रीम ले लें। इसमें 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च, 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ नमक, और चीनी डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून भर के। और इस सारी क्रीम को, ये जो हमने बैटर सा बनाया है, इसको अच्छे से यकजान कर लेते हैं। ये देखेंगे हमारा हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और उसके बाद अपनी सारी चीज़ें जब जिसमें मिक्स करनी है मैं मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि पहले मैं भी ये सैलड इतने शौक से यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने ये बनाया है बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी। कॉर्न डाल लिए हैं मैंने 1 कप। अच्छा, ये कॉर्न मेरे पास केन वाले हैं, ये बहुत मज़े के हैं। इसके अलावा ये उबले हुए आलू हैं, ये 2 दरमियाने साइज़ के मैं डाल रही हूँ इसमें। सेब मैंने स्क्वायर कट में एक जैसी कटिंग की हुई है, ताकि हमारी सैलेड जो है खूबसूरत लगे। आपको जो भी कटिंग रखनी है, लेकिन फिर सारी वेजेस की एक जैसी कटिंग कीजिएगा। मैंने क्यूब्स में कटिंग की हुई है, और ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। और इसके अलावा ये पास्ता जाएंगे इसमें, ये भी 1 कप है। इसे मैंने उबाल के रखा हुआ था। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और आप यकीन करेंगे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसमें आपने दही यूज़ किया, क्योंकि क्रीम और मायोनीस के साथ वो इतनी यकजान हो जाती है, और खाने में भी हैवी नहीं लगती है आपको कि बहुत ज़्यादा जैसे क्रीम नहीं खाई जाती या मायोनीस की चीज़ नहीं खाई जाती। लेकिन ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है, और बहुत अच्छी ये बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए ब्रोस्ट की तरह चिकन स्ट्रिप्स बनाई हुई थी, इसके साथ रशियन सैलेड थी, चीज़ सॉस था, जिसको बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।